नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के बच्चों ने एक अद्भुत कारनामा कर डाला। एक फिल्म का निर्माण करके वह फिल्म पूरी तरीके से तैयार है ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज होने के लिए। आज उसका टीजर रिलीज किया गया, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। मैं आपको आपके स्क्रीन पर एक बैनर दिखा रहा हूँ, जुबैरा रिटर्न टू होम। जुबैरा रिटर्न टू होम रीवा में फिल्माया गया एक ऐसा सीरियल जो आप देखना चाहेंगे, जिसका टीजर आज ही रिलीज किया गया, बस चंद लम्हे पहले ही। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं यहीं से यह टीजर रिलीज किया गया। आप अपने स्क्रीन पर जुबैरा रिटर्न टू होम की एक टीम भी देख पा रहे होंगे। डायरेक्टर से लेकर तमाम कलाकार यहां पर मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करने की, हालांकि मैं उनका परिचय तो ले ही लूंगा। क्या है कहानी की स्टाइल? कहानी की स्टाइल है कि एक लड़की गलतफहमी का शिकार होकर दहशत गर्दों के चंगुल में फंस जाती है। उसके मन में वहां और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भरा जाता है और वो हिंदुस्तान आके हालातों का सामना करती है, गलतफहमी दूर होती है और वो आखिरकार अपने हिंदुस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाती है। अपनी धरती के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। थीम वही भारत पाकिस्तान। इसमें नया बहुत कुछ है, जब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तमाम कलाकार मौजूद हैं, मैं सारे कलाकारों से बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? सर, इस मूवी में मेरा नाम जुबैर है और इसमें मैं मौलाना का राइट हैंड रहता हूँ। और इसमें जो जुबैरा रहती है, मैं उसका बहुत ही अच्छा दोस्त रहता हूँ और उसे किसी भी परेशानी में मैं उसे सपोर्ट करता हूँ, उसकी हेल्प करता हूँ और हमेशा सच का साथ देता हूँ। आप इस मूवी में, मेरा नाम मेजर भास्कर राव है, मैं यहाँ एक आर्मी मेजर का रोल अदा कर रहा हूँ और इस मूवी में मैं मेजर वीर प्रताप सिंह का खास मित्र भी हूँ और बॉर्डर पर हमारी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम पूरी तरीके से आतंकवादियों को कंट्रोल करते हैं। आतंकवादियों को कंट्रोल करते हैं, हमारी सीमा पर एक अच्छी बॉन्डिंग भी होती है। तमाम वो पहलू जो मानवीय दृष्टि भी महत्वपूर्ण है, इस सीरियल में फिल्माए गए हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिली। क्या नाम बेटा आपका? ये फिल्म में काम नहीं कर रही। नाम बताइए। माही। माही सुमित मिश्रा। इस फिल्म में मेरा नाम अशफाक है और मैं इसमें एक आतंकवादी का रोल। नाम सूरज चौधरी। सर नाम आयुष चतुर्वेदी। सर मैं इस मूवी में तौफीक खान का रोल कर रहा हूँ, आतंकवादी हूँ। मेरा नाम दानिश है, मैं इस मूवी में मौलाना का राइट हैंड हूँ और जो भी है आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। हम लोग सर एटीएस में हैं। मेरा नाम सुजीत वर्मा है और मैं इसमें बड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ। सर मैं, हम लोग एटीएस के टीम मेंबर हैं और ये हमारे सीनियर रहते हैं और हमें खबर मिलती है कि आतंकवादी घुसपैठ हुई है तो हम उसके लिए सर्च के लिए जाते हैं और वहीं पे हमें दिखता है, हमारी थोड़ी मुठभेड़ होती है इन आतंकवादियों से तो हमें फिर कंट्रोल रूम से परमिशन के लिए एग्री करना पड़ता है। सर मेरा नाम श्रेया सिंह है और मैं एटीएस की टीम मेंबर हूँ। एटीएस भी है, पाकिस्तान भी है, भारत तो है ही, सीमा है, साथ ही कुछ गलतफहमियां हैं। तमाम तरीके से सारी वो चीज जो एक टीजर में होनी चाहिए, आपको मैं वो टीजर भी दिखाऊंगा। मैंने जैसा कलाकारों से बात की, खास तौर से सबसे बड़ी बात, रीवा शहर में इस तरीके का, ये छोटे छोटे बच्चों ने एक ऐसा कारनामा किया जुबैरा रिटर्न टू होम को लेकर, जो अपने आप में काफी दिलचस्प होगा। आप इसको जरूर देखिएगा। मैं अपनी ओर से भी इस बात की आप लोगों से गुजारिश करता हूं। आज के लिए इतना ही। जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।